प्रदेश वाले भी आप सबको दिए थी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिंग जो है, रूलिंग आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जजमेंट में, ये जो डीए है ना, ये 2 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए, 2 महीने के अंदर। लेकिन प्रदेश सरकार में 20 महीने हो गए, ये अब भी बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, 6 महीने के बाद मिलेगा। ये जो रही एरियर की बात, एरियर में कोर्ट बोल चुका है कि जो एरियर है इसको 6% ब्याज के साथ देना पड़ेगा, लेकिन प्रदेश सरकार बोलती है पैसे नहीं है। अरे पैसे नहीं है तो फिर ये वसूल खर्ची किस बात की? और फिर मैं क्या यार, अंदर से बार बार दरमानी नजर आ रहा, दरमानी आ रहा है। मैं फिर से दरमानी जी के पास आता हूं। दरमानी जी बोलते हैं कि भाई यहां कोई मशीन थोड़ा लगी, कहते नोट छापने की, बोलो हमारे पास जो पैसा आएगा हम वही देंगे। अरे भाई जो तुम्हारे पास पैसा आएगा किसको देंगे? अपने खर्चों पे देंगे, अपने खर्चे उससे तुम पूरे करें, हमारे को थोड़ा देंगे। और ये दरमानी जो नए नए मंत्री, उनको ये नहीं पता जो ये सचिवालय को इतना लाइटली समझ रहे हैं। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि एक बार मैं सचिवालय के लोगों की ताकत, साथियों आप लोगों को पता नहीं हो कि आपकी क्या ताकत है, सचिवालय के लोगों की क्या ताकत है। शांता कुमार जी थे, मैं उनकी इज्जत करता हूं। शांता कुमार जी से पूरे प्रदेश के कर्मचारी डरते थे और उन्हें नो पे लगाया, भले ही उनको उसकी सजा मिली, लेकिन वो सचिवालय के कर्मचारी से डरते थे। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। एक बार क्या हुआ सचिवालय में, सचिवालय के एक कर्मचारी को एक आईजी ने थप्पड़ मार दिया। जब पूरा सचिवालय बाहर आया, 2 दिन हुए, तो माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शांता कुमार जी को बाहर आना पड़ा। उन्होंने उस आईजी को कहा, देखिए आईजी साहब, या तो आप माफी मांगिए या फिर अपना बोरी बिस्तर पैक कर दीजिए, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर सरकार चला सकता हूं, सचिवालय के कर्मचारियों के बगैर सरकार। तो दरमानी जी याद रखी है लाइने, वो भी शांता कुमार की, कि आईजी साहब तुम्हारे बगैर सरकार चल सकती है, सचिवालय के कर्मचारी के बगैर सरकार नहीं चलती है। इसीलिए मैं आपको आज थोड़ा वक्त देता हूं, या तो आप अपने शब्द वापस लीजिए, या तो आप माफी मांगिए, वरना परिणाम के लिए तैयार रहिए। साथी है तो मुझे लगा आपको मजा आ रहा है, आपको अंदर भी जाना होगा, इधर सबने फरमान जारी कर रखे कि अंदर कोई नहीं जाएगा। तो अगली जो रणनीति होगी, जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि अगर हमें मंगलवार तक नहीं बनाया जाता है तो हम काले बिल्ले लगाएंगे। यहां पे विधानसभा के हमारे साथी आए हैं, वो भी काले बिल्ले लगाएंगे, हम भी काले बिल्ले लगाएंगे, पर हम विधानसभा के सेशन के दौरान कोई भी इस तरह की रैली, रोष रैली नहीं करेंगे। लेकिन ये 2 दिन का ट्रेलर इन्होंने देख लिया है, पिक्चर हम 10 तारीख के बाद बताएंगे। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, सचिवालय ने दी ललकार, सचिवालय ने दी ललकार। तो मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है कि जिस तरह से आप साथ दे रहे हैं ना, आप इसी तरह से साथ दीजिएगा, आपकी मांगों को पूरी किया जाएगा। जय हिंद।